Redmi Note 10 T 5G। जी हाँ गाइस, ये Redmi की तरफ से बजट सेगमेंट में किलर मोबाइल फोन लॉन्च किया गया था। अगर मैं आपको उसके कुछ की स्पेसिफिकेशंस बता दूं तो आपको मिलती है इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी, MediaTek Helio Dimensity 700 5G प्रोसेसर, जो कि काफी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर माना जाता है। और आज इसी के प्रोसेसर का एक इम्तिहान लिया जाएगा इसके पबजी टेस्ट के दौरान। सो गाइस, आज की वीडियो में इसका इन डेप्थ घुसकर पबजी रिव्यू होने जा रहा है। इसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मिलने वाली है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप एंड तक देखना। मेरा नाम आर्य शर्मा और आप देख रहे हो टेक बूमर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारे पास Redmi Note 10 T 5G का बॉक्स। फ्रंट साइड में आप इसकी एक पहली झलक देख सकते हो, ऊपर के साइड इंडियाज नंबर वन ब्रांड होने का टैग, Xiaomi की ब्रांडिंग और नीचे की साइड यहाँ पर Redmi Note 10 T 5G की ब्रांडिंग दी गई है। अगर हम बात करते हैं राइट साइड की, तो यहाँ पर भी Redmi Note 10 T 5G की ब्रांडिंग, लेफ्ट साइड में भी सेम। और अगर हम नीचे की साइड की बात करते हैं तो उसको कुछ बार कोड वगैरह दिए गए हैं और ऊपर की साइड बताया गया है कि क्या क्या आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं पीछे की साइड की, तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर आपको दिया गया है। 90Hz की यहाँ पर रिफ्रेश रेट वाली आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है, 48MP का कैमरा और 5000 mAh की बड़ी बैटरी 18W के फास्ट चार्जर के साथ में। तो गाइस चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स। तो जैसे हमने बॉक्स को ओपन किया, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो पहली झलक यहाँ पर मोबाइल फोन की दिखाई गई है। जरा हम करते हैं इसे अनरैप, आप पहली झलक देख सकते हो, काफी डिसेंट लुक दे रहा है गाइस, काफी प्रीमियम लुक दे रहा है। तो फिलहाल इसे हम रख देते हैं जरा साइड में और बात करते हैं बॉक्स के कंटेंट की। तो जैसे ये वाला सेक्शन निकला गाइस, यहाँ पर आपको मिलती है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर की साइड आपको मिलता है गाइस एक यहाँ पर केस जो कि अच्छी खासी क्वालिटी का लगता है, और एक क्विक स्टार्ट गाइड, इसे हम रख देते हैं साइड में, एक टाइप सी केबल और एक 18W का फास्ट चार्जर आपको दिया गया है। सो गाइस यहाँ पर फोन वगैरह मैं सेटअप कर चुका हूँ पहले से ही। अब आप यहाँ पर देख जरा इसे ओपन करते हैं तो आप फोन की पहली झलक देख सकते हो। पीछे की साइड कैमरा का सेटअप काफी अच्छा दिया गया है, हालांकि आपको यहाँ पर कैमरे में बम्प दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर काफी अच्छा खासा बम्प दिया गया है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू की बात। सो गाइस अगर आप देखते हो नीचे की साइड में, तो आपको मिलता है यहाँ पर टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और यहाँ पर प्राइमरी माइक्रोफोन। अगर हम बात करते हैं राइट साइड की, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर और वॉल्यूम रोकर्स। ऊपर की साइड आपको मिलता है यहाँ पर सेकेंडरी स्पीकर और यहाँ पर दिया गया है 3.5 mm का जैक। पीछे की साइड आपको बिल्कुल क्लीन मिलती है, एक्सेप्ट यहाँ पर आपको कैमरा लेआउट दिया गया है। कैमरा गाइस काफी डिसेंट लेआउट के साथ दिया गया है, आप देख सकते हो काफी प्रीमियम लुक ये दे रहा है। तो फ्रंट साइड में आपको यहाँ पर 90Hz की फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है। और मैंने आपको प्रोसेसर के बारे में बता ही दिया है कि आपको उसमें MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर मिलता है। तो फटाफट हम चलते हैं जरा इसकी सेटिंग में, अबाउट फोन के सेक्शन में। आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरे पास ये वेरियंट है, ये 6GB 64GB वाला है। ऑल स्पेक्स की ओर हम चलते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ इसके अपडेट्स वगैरह देख सकते हो। तो जल्दी से फटाफट कर लेते हैं अब इसके एक पबजी रिव्यू। सो गाइज अगर हम बात करते हैं ग्राफिक्स की, तो यहाँ पर आपको स्मूथ पर मिलते हैं अल्ट्रा तक, और अगर हम बात करें बैलेंस की, तो बैलेंस भी आपको अल्ट्रा तक और HD आपको हाई तक मिलते हैं। जी हाँ गाइज, आपको कोई भी 90fps का सपोर्ट नहीं मिलता है, 90fps छोड़ो गाइज आपको एक्सट्रीम तक भी ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको स्मूथ अल्ट्रा पर या फिर बैलेंस अल्ट्रा पर काफ़ी डिसेंट यहाँ पर गेम प्ले देता है निकाल कर, बिना किसी लैग के, बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के। आपके सामने मैं एग्जांपल शो कर रहा हूँ, मैंने TDM खेला था, उसको आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ गेम प्ले। Location. Reloading. Nice shot. Clear. Target down. सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।